नमस्ते दोस्तों। दोस्तों काफ़ी लोगों के मैसेज हैं कमेंट्स बॉक्स में कि हम तो बिल्कुल फ्रेश हैं, हमें तो इंग्लिश के बारे में कुछ भी नहीं पता, हुआ कहाँ से स्टार्ट होगा। और कुछ साथी ऐसे जिन्हें इंग्लिश करनी है वो जानना चाह रहे थे। दोनों के लिए वीडियो मैंने बनाई है। आप लोगों को अगर पूरी चीज़ें पता है में इंग्लिश के अंदर क्या क्या कोर्स है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो ये आपके लिए वीडियो नहीं है। आप स्किप करके आगे चले जा सकते हैं, दूसरी वीडियो देख लीजिएगा। ये सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए जो फ्रेश है एकदम। ठीक है दोस्तों, जो फ्रेश बच्चे हैं उनके लिए बता देता हूँ, ये कोर्स का नाम है मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश MAG। मास्टर ऑफ आर्ट्स में इंग्लिश है, हिस्ट्री है, बहुत सारे आर्ट्स के अंदर। ठीक है, ये अंडर आता है ह्यूम स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज, इसके अंदर ही बोलते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये आपका जो कोर्स है उसमें मिनिमम आपकी डिग्री होनी चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए, मिनिमम का कोई क्राइटेरिया है नहीं, क्योंकि आपके कोई मिनिमम कितने नंबर आने चाहिए, कितनी एज होनी चाहिए, कुछ नहीं लिखा। मीडियम है आपका इंग्लिश, आप देख सकते हैं, और 2 साल से लेकर 4 साल तक इसको आप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा ये क्या है। 12,600 इसकी 2 साल की फीस है, उसमें ईयर 6,500 फीस लगती है इसकी। एग्जाम फीस अलग लगेगी, जो 250 रुपये से लेकर भी हो सकती है, ऊपर नीचे हो सकती है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट। ठीक है, क्लियर हुआ, आगे चलते हैं। अब आप समझिए इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। कोड तो पता लग गया, MAG। MAG का मतलब है मास्टर इन इंग्लिश, इंग्लिश ईजी से इंग्लिश बना रखा है इन्होंने। पहला जो 4 सब्जेक्ट्स हैं, ये मैंडेटरी है, कोई ऑप्शनल नहीं है। ब्रिटिश पोएट्री होती है, ये पोएट्री जो पोएट्री होती है, ड्रामा जिसको प्ले भी पढ़ते हैं बच्चे, प्ले स्टेज पर होता है, नॉवल, एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में बोलता है। ठीक है, 4 पेपर होते हैं, क्रेडिट्स 8 क्रेडिट्स के, 8 क्रेडिट्स के। इसका कोई मतलब इतना समझने की जरूरत नहीं है, इससे कोई मतलब होता भी नहीं है, लोग इतना टेंशन लेते भी नहीं। आप तो पेपर दोगे, क्रेडिट जो भी हो, वो नहीं पता बता देता हूँ। जो आप असाइनमेंट देंगे उसका 30% लेते हैं ये, और जो थ्योरी का पेपर देंगे उसका 70% लेते हैं। ठीक है, भी आपकी परसेंटेज आती है उसमें से 30%। तो मतलब ये नहीं कि आपके 100, मतलब इसको भी समझाऊंगा किसी दिन, अभी फिलहाल इसको नहीं समझा सकता, फिर भी लंबी वीडियो बन जाएगी। नेक्स्ट, जब आप सेकेंड ईयर में जाएंगे, ठीक है, सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे, जो पांचवा है वाला लिटरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, ये आप मैंडेटरी है। ठीक है, ये तो आपको देना ही देना है, बहुत अटकाता है ये। बाकी आप देख सकते हैं इतने सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऑप्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, कोई करने पड़ेंगे, सॉरी, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आप पूछते मैंने कौन से ऑप्ट किए थे, तो मैं बता देता हूँ, मैंने 7, 10, 14, आई थिंक मैं याद कर लेता हूँ, टाइम हो गया। एक तो मैंने ये ऑप्ट किया था, कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर वाला अपने देश का, ठीक है, और इंग्लिश स्टडीज 10 और 7 इंडियन। हाँ, मैंने ये ऑप्ट किए थे क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बीएड वगैरह था तो मुझे पता थी कि ये तो ईजी होगा, और इसमें बहुत ईजी था। और इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया, इंग्लिश किस तरह से इंडिया में आई, बड़ा आसान है। और इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, हमारा लिटरेचर जो इंडियन है, जो कि हमने हिंदी पढ़ी हुई है 10th तक, तो मैंने तो पढ़ी है 10th तक, फिर बाद में मैंने BSc की। लेकिन बहुत से आप साथी होंगे जिन्होंने BA वगैरह करी होगी, तो और आसान हो जाता है, हिंदी होगी उनके पास तो सारी चीज़ें इस तरीके से होंगी। आज ये पूरा ये बजाएगा क्या सर पे ही? यार, डिपेंड करता है कि आपको इसमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट किस में है। इजी जरूरी है मैंने ये सब्जेक्ट लिए तो आप भी ये सब्जेक्ट लोगे, ये आपके अपने ऊपर है कि आपका मन किसमें बनता है। जैसे कि सपोज करो, बहुत से को अमेरिका के बारे में जानना, तो अमेरिकन नॉवल ले सकता है, बहुत से लेते भी हैं, अमेरिकन लिटरेचर बहुत से साथ ही लेते हैं। मैंने कहा मैं अमेरिकन लिटरेचर क्यों लूँ, मैं तो इंडियन लिटरेचर लूंगा, अपना अपने देश को जानूंगा ना, मैं क्यों जानूंगा अमेरिका को। मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया, मतलब मैंने ये रैंडमली, जैसे कहते हैं ना, मुंह उठा के ले लेना, कुछ भी ले लो, नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिया, सोच समझ के ली। आप यकीन मानिए कि मुझे नहीं पता था कि सब्जेक्ट्स के अंदर क्या है, क्योंकि किताबें तो बाद में मिलेंगी ना जब आप चूज कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने उस बाद में चूज किए, और मैंने इनके सब्जेक्ट के नाम पढ़
पढ़ के चूज किए, बहुत से ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर ले लेते हैं, बहुत से सर्वे कोर्स ले लेते हैं, कंपैरेटिव लिटरेचर ले लेते हैं, इंडियन फोक लिटरेचर ले लेते हैं, आपके ऊपर आप कौन सा लिटरेचर लेंगे। कोचिंग पढ़ाने वालों को इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, अगर कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाते हैं तो मुझसे साथी बहुत से बोलते हैं आप सेकेंडर के बारे में पढ़ाओ। भाई कहाँ से पढ़ाएं, हमें पता ही नहीं बच्चे कौन सा ले रहे हैं, ये तो कॉमन है इसको पढ़ा सकते हैं, अब इसमें से कुछ पता ही नहीं। या तो फर्स्ट ईयर का बच्चा हमारे साथ हो, हम उसको बता दें भाई आप ये ऑप्ट करो, हम तो यही पढ़ाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, मैं आप जब भी अब आपको वीडियो मिलेंगी, मेरे तो इन्हीं की वीडियो मिलेंगी आपको, इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की, इंग्लिश इंडियन लिटरेचर की और वाली कंटेम्प्रेरी इंडियन लिटरेचर की, जो मेरा मेन है, इनकी वीडियोस बनेंगी मिलेंगी, लेकिन ज़्यादातर मैं इन्हीं के रखूंगा, और क्योंकि तो मैंने इसी में किया हुआ है, बाकी थोड़ा बहुत मैं करूंगा। देखो टू फ्रैंकली स्पीकिंग, देखो मुझे तो ये आसान लगते हैं और इजीली हो भी गए थे, मैंने इतना कोई मुश्किल नहीं था, थोड़ा सा पढ़ा था। हाँ ये सब्जेक्ट जो ये वाला सब्जेक्ट है, आई रिपीट कर देता हूँ मैं, ये वाला बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, ये आपको फंसा देता है, ये आपको इजिली नंबर भी नहीं देता। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ऐसी मतलब दिक्कत नहीं आ रही, कर लेंगे नहीं होता, इसे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, आप प्लीज इस बात को समझिएगा। वो जो मैंने सेलेक्ट किए थे सब्जेक्ट मैं बता देता हूँ, किसी ने मुझसे पूछा था, एक ये किया था मैंने दोस्तों, एक मैंने ये किया था और एक मैंने ये किया था, सॉरी एक सेकेंड, तो टाइम में कई बार सेटिंग नहीं बैठती, ये वाला किया था, ठीक है, क्योंकि मुझे ये ठीक लगा था, मेरे को लगा मैं कि सही है, इंडियन के बारे में जानूंगा, आपके ऊपर है कि आप कुछ भी इसको देख सकते। मुझे पूरी उम्मीद है आप कोर्स के बारे में समझ गए होंगे, कोर्स क्या है। दूसरी बात, अगर कोई इस बहकावे में है, भुलावे में है कि जो इग्नू की डिग्री है, इग्नू की डिग्री चलती नहीं है, तो देखो मैं गवर्नमेंट जॉब भी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब मैंने मतलब केवीएस में भी करी है, मैं इस टाइम दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हूँ टीजीटी मैथ्स, और मैंने बीएड भी इग्नू से किया है, आप तो जानते हैं टीजीटी मैथ्स में बीएड तो चाहिए ही, सब चलता है, कुछ भी नकली नहीं है, बीएड एक बहुत जबरदस्त यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया में फैली हुई है, ये दिमाग में रहना ही नहीं चाहिए कि ये चलेगी डिग्री नहीं चलेगी। जो भी फेक यूनिवर्सिटीज हैं यूजीसी ने उसकी लिस्ट डाली हुई है यूजीसी ने, और ये यूट्यूब का जमाना है, कुछ भी चीज़ नहीं बच सकती, सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई होंगी, बस मैं बता देता हूँ लास्ट में, 4+4 सब्जेक्ट हैं इक्वल टू 8, ठीक है, 5 इसमें मैंडेटरी हैं, +0.3 आपको चूज करना है, ठीक है, और आपको असाइनमेंट सबके देने, भूल मत जाना, 8ों के 8ों के भी आप चूज करेंगे, असाइनमेंट अगर आप नहीं देंगे तो आप पेपर नहीं दे पाएंगे, ये इनू कहता है और सही कहता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा जो इसका एक जो पेपर, जैसे कि हम कब दे सकते हैं, कब असाइनमेंट दे सकते हैं, इस वीडियो के बाद मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, फिर भी कुछ कमी रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है, मुझे खुशी होगी। बाय बाय, टेक केयर, और अगर हमारी मेहनत सफल लगी है, आपको अच्छी लगी है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए ग्रुपों में, मेरे लिए प्लीज़, इससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हम काम करने के लिए अच्छा लगता है, नहीं तो फिर हम काम छोड़ देते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है, अप्रिसिएशन ही नहीं है, तो लोग नहीं करते, आप जानते हैं, प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू वेरी मच।